नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यू सी न्यू जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट। सबसे पहले दोस्तों बात करें JKSSB फॉरेस्टर कोर्ट केस को लेकर। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हो कि 12th बेसिस पे ये फॉर्म लगे थे और साइंस स्ट्रीम्स, जी हां दोस्तों, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम रखी थी बस वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप जो है उन्होंने किया था। बात करें इसके ऊपर कोर्ट केस क्यों किया गया था, तो ये क्वालिफिकेशन को लेकर ही कोर्ट केस यहाँ पे किया गया था। अब दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, JKSSB फॉरेस्टर के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे और इस पहले नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं जो आज निकल के सामने आ रहा है। वैसे ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप कर सकते हैं, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। दोस्तों कोर्ट केस किया गया था GH मोहिउद्दीन दार ने जो है केस किया था, किसके खिलाफ, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के खिलाफ ये जो कोर्ट केस किया था। यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन श्रीनगर और स्टेटस अभी आप देख पा रहे होंगे डिस्पोज दिखा रहा है, और यहाँ पे डिस्पोजल नेचर भी आप देख पा रहे होंगे, डिसमिस्ड कोर्ट को केस को डिसमिस किया गया है फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। और डेट भी देख सकते हैं आज की ही ये डेट है जो कि 4 अक्टूबर यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन करी गई है। और दोस्तों बात करें तो ये कोर्ट केस किया गया था क्वालिफ़िकेशन को लेकर काफ़ी चर्चाओं में था कि जो क्वालिफ़िकेशन है इसको काफ़ी कम रखा गया है और इसको थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, ये सब दोस्तों चल रहा था। अब दोस्तों फाइनली आपके लिए एक गुड न्यूज़ है इस कोर्ट केस को यहाँ पे देख सकते हैं, पहले प्रेजेंट चल रहा था, फिर फाइनली इस कोर्ट केस को डिस्पोज किया गया, डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। अब दोस्तों काफ़ी चांसेस है JKSSB ने जो सिलेबस था इसका होल्ड करके रखा हुआ था, जैसे कि एक तरह से कह सकते हो कि इसका कोर्ट केस कब तक चलता, तो फाइनली अब इसको क्लोज किया गया है, तो अब आपके चांसेस जो है बढ़ गए हैं कि फॉरेस्टर की पोस्ट को लेकर अब हमें सिलेबस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पिछली की बात करें, जो पिछली कुछ अपडेट थी उसमें बताया गया था कि सितंबर के महीने में आपका कोर्ट केस का सिलेबस, जो फॉरेस्टर का सिलेबस है, वो रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन दोस्तों नहीं किया गया। अब यहाँ पे हम एक उम्मीद लगा के चल सकते हैं कि इस बार जो है हमें JKSSB फॉरेस्टर का जो सिलेबस है नया देखने को मिले, क्योंकि जो पहला सिलेबस था जब ये पहले रिक्रूटमेंट होती थी वो डिपार्टमेंट वाइज होती थी, अब दोस्तों JKSSB के अंडर है तो सिलेबस तो थोड़ा बहुत चेंज होगा ही होगा। तो इसलिए आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई अपडेट आएगी ऑफिशियल आपको हमारे चैनल के थ्रू देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बस ये था हमारा आज का वीडियो।